हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने छोटे से बालकनी गार्डन में। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई थी और जो कि जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा कटिंग लगाना। देखिए मैंने कुछ फूलों की कटिंग लगाई थी और देख सकते हैं आप मेरी कटिंग सक्सेसफुल हो गई हैं और बहुत अच्छे से अब इनमें फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए दिखाती हूँ, चलिए आप लोगों को कौन कौन सी मैंने कटिंग लगाई थी। देखिए ये भी एक फ्लावर की कटिंग है, मैं इसको भी छोटी सी बिल्कुल एक डंडी ब्रांच लेके आई थी और उसको लगाया था और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मुझे मिला। मैंने फर्स्ट टाइम कटिंग ग्रो की थी, मैंने पहले नहीं लगाई थी और देखिए मुझे इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। इस फ्लावर की कटिंग भी बहुत अच्छे से लग गई है और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, अभी तक मैंने इनमें कोई खाद भी नहीं डाली फ्रेंड्स। देखिए और ये हाइब्रिड गुड़हल है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है, एक जगह से कटिंग लेके आई थी और जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है कटिंग से। ये भी आप लोग देख सकते हैं अब इसमें भी फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए और ये है फ्रेंड्स मोगरा, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है और देखिए इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप। बहुत छोटी सी ब्रांच ली थी और लग नहीं रहा था मुझे लगेगा, लेकिन लग गया है देखिए और बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। और फ्रेंड्स देखिए कुछ और भी कटिंग जो मैंने ली थी उनको भी लगाया है, उनको भी दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने देसी वाला गुड़हल जो सब जगह मिल जाता है आपके गांव में आसपास मिल जाता है, ये रेड कलर वाला गुड़हल है, आप लोगों के यहाँ लगा होगा, इसको मैंने ग्रो किया था। सबसे पहले मैंने इसी की कटिंग लगाई थी और देखिए कितनी बढ़िया कटिंग लग गई है फ्रेंड्स, मुझे लग नहीं रहा था कि ये गमले में लग जाएगा। और मैं इसकी एक ही ब्रांच लेके आई थी और एक ब्रांच में देखिए अब बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है, अब मैं इसकी और ब्रांच भी लगा सकती हूँ, कटिंग से ग्रो कर सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप लोग भी कटिंग से इस तरीके से पौधे अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। जो पौधे हमें आसपास अपने यहाँ से आसानी से मिल जाएँ उन्हें आप ऐसे ही लगाएँ, कटिंग से तैयार करें, सारे पौधे नर्सरी से ना खरीदें। देखिए थोड़े से मेरे गार्डन में कुछ फूल खिले हुए हैं, अभी सुबह सुबह था तो ये कुछ खिलने लगे हैं, मैंने भी इनके भी सीड डाल दिए थे, कुछ रखे थे मेरे पास और उसी की वजह से देखिए इसमें फूल आ गए हैं। हालांकि मैंने इनको ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लगाया था, नॉर्मली ही ऐसे ही डाल दिया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेड वाला कनेर कटिंग से ग्रो किया है और देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है, ये कटिंग तैयार हो गई है, पूरी तरीके से लग चुकी है। दो ब्रांच इसकी लगाई थी और देखिए एक इधर है, ये दोनों लगाई थी और बहुत अच्छे से इनमें भी ग्रोथ हो रही है, न्यू ब्रांच आ चुकी हैं और लग गया है। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही कटिंग से ग्रो करें और अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे कटिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं आप, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग से तैयार करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक गुलाब का प्लांट भी तैयार किया हुआ है, ये देखिए और ये लग गया है। फ्रेंड्स अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।